नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का बिहार की खबरों में। दोस्तों, बिहार की खबरें लगातार जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें माय स्मार्ट बिहार के इस यूट्यूब चैनल को, ताकि आपको बिहार की हर एक छोटी बड़ी खबर लगातार मिलती रहे। दोस्तों, पंचायत चुनाव के मद्देनजर राज्य निर्वाचन आयोग ने केंद्र व राज्य सरकार के मंत्रियों, सांसदों व विधायकों के दौरे को लेकर आदर्श आचार संहिता से संबंधित दिशा निर्देश जारी कर दिया है। आयोग ने कहा है कि केंद्र व राज्य सरकार के मंत्रियों द्वारा की जाने वाली सरकारी और चुनावी यात्रा अलग अलग होगी, वे दोनों यात्राएं एक साथ नहीं कर पाएंगे। आयोग के मुताबिक ऐसी स्थिति भी हो सकती है कि केंद्र या राज्य सरकार के मंत्री जिला मुख्यालय या क्षेत्रीय स्तर के अन्य कार्यालयों तक सरकारी कार्यों के सिलसिले में दौरे पर जाने के लिए सरकारी वाहन का उपयोग करें और उसके बाद चुनाव कार्य के लिए स्थानीय दौरे किसी निजी वाहन से करें। ऐसे में पूरे दौरे को चुनाव कार्य के लिए किया गया माना जाएगा। आयोग ने यह भी कहा है कि मतदाता के रूप में मतदान केंद्र में जाने के लिए मंत्रियों, सांसदों या विधायकों की सुरक्षा के लिए सरकार की ओर से प्रतिनियुक्त आर्म्ड गार्ड का वे इस्तेमाल कर सकेंगे, उनके बॉडीगार्ड सशस्त्र बल मतदान केंद्र में प्रवेश नहीं करेंगे। तो दोस्तों, बिहार की खबरों में अभी के लिए इतना ही, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें माय स्मार्ट बिहार के इस यूट्यूब चैनल को, ताकि आपको बिहार से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी खबर लगातार मिलती रहे।